नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हाउ टू ड्रॉ अ फेस के फर्स्ट एपिसोड में हैं और जो कंपटीशन पे मैंने बताया था जो पोर्ट्रेट ड्रॉ करना था उसको ही हम यहां पे सीखेंगे कि कैसे हमें वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना है। और ये फर्स्ट वीडियो जो है बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पर रहेगा मेरा कि आपको कैसे इनिशिएट करना है, कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है जो इंक्लिनेशन समझना है, जो फेस में ज़रा सा टिल्ट है उस टिल्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पेंसिल के थ्रू, और ये अगर आपने एक बार सही से टिल्ट इसको पकड़ लिया, इस जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो एंगल है एक सर्टेन, अगर उसको आपने सही से ट्रांसफ़र कर लिया तो फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली आगे चल के इस पोर्ट्रेट में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही लाइन है जो लाइन आपको समझनी ज़रूरी है। और कंपटीशन में मैंने यही बोला था कि आप अगर, बेटर ये होगा कि आप अगर पेंसिल मेजरमेंट यूज़ करें या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करें या फिर एंड्रू लूमिस मेथड यूज़ करें, ऑब्जर्वेशन तो खैर क्या ही, और एंड्रू लूमिस मेथड हो या पेंसिल मेजरमेंट तो ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग ग्रिड मेथड के लिए भी पूछ रहे थे, तो आप ज़रूर कर सकते हैं लेकिन सबके अपने अपने नंबर्स हैं फ्रेंड्स, मैंने उस तरह से कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो अगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे मेजरमेंट वगैरह लेकर के तो ज़्यादा अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं, अगर आप ग्रिड मेथड यूज़ करेंगे तो उसके कुछ नंबर उसमें डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो वो चीज़ हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब पेंसिल मेजरमेंट में मैंने फ़र्स्ट इंक्लाइन लाइन जो है वो खींच ली, उसके बाद बस मैं क्या कर रहा हूँ, आईज़ को प्लॉट करता जा रहा हूँ और ये देख रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जो दिखाया अभी आपको कि पूरा का पूरा पोर्ट्रेट उस पेपर में आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह से ना शुरू करें कि पूरा पोर्ट्रेट उस पेपर में ना आए। तो अब देखिए, मैंने दो जो आई जो सेंटर्स थे उन दोनों आई सेंटर्स को वहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद मैं केवल प्लॉट कर रहा हूँ आई की जो टोटल विड्थ है उसको और आईज़ के कॉर्नर से कॉर्नर की जो डिस्टेंस है उसको। अब यहाँ मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि वर्टिकल नहीं है, वो भी इंक्लाइंड ही है, और जो कि ये इन दोनों आईज़ के सेंटर से होके जा रही है। वो भी बड़ी आसानी से आप सेंटर निकाल सकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल आसानी के साथ उसको ही उसी वर्टिकल लाइन से अब दोनों आईज़ के दोनों कॉर्नर्स को मैंने वहाँ पे प्लॉट कर लिया। ये मैं बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये इतना इतना ज़्यादा डीपली क्यों जा रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आए। बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको केवल दो लाइन्स ड्रॉ करनी होती हैं जैसे मैंने बताया है आपको, हमेशा ही एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब यहाँ थोड़ा सा फेस इंक्लाइंड है तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी एक सर्टेन एंगल पर झुक जाएगा एक तरफ, और उसके बाद उन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस पे आईज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। और एक बार अगर आपकी आईज़ सही से ड्रॉ हो गई पोर्ट्रेट में तो उसके बाद फिर उसी से सारी मेजरमेंट्स चलती हैं, मतलब आईज़ से सेंटर जो डिस्टेंस होती है उसी को जब आप आईब्रो पे रखते हैं तो नीचे नोज़ का डिस्टेंस मिलता है, और उसी डिस्टेंस को और नीचे नोज़ के नीचे रखते हैं तो चिन मिल जाती है, और सिमिलरली इसी तरह से ऊपर रखते हैं तो वहाँ पर फोरहेड मिल जाता है आईब्रोज़ के ऊपर। तो इस तरीके से पहले अगर आप केवल ये बेसिक काम कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और उसमें फ्रेंड्स, जो कंपटीशन मैंने रखा है उसमें बहुत सारी आपकी एंट्रीज आ रही हैं, बहुत सारा आपका सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस के काबिल समझा। और जो जो क्वेरीज़ हैं मैं उनको भी कोशिश कर रहा हूँ लोगों को सॉल्व करने की, या कि आप जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप ड्रॉ, उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आप नॉर्मल पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते, कैसी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बस ग्रेफाइट होना चाहिए या चारकोल होना चाहिए, कलर्ड पेंसिल्स नहीं यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कलर्ड पोर्ट्रेट का ये कॉम्पिटिशन नहीं है। आगे आने वाले टाइम पर मैं उसके भी कॉम्पिटिशन करूँगा, और बहुत सारे लोग जैसे कह रहे हैं उनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं तो वो बाद में करेंगे या अभी नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, आप जब चाहें तब करें इसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट। और मैं आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसी कॉम्पिटिशन्स करता रहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा तरीका है आपको मोटिवेट करने का और आप साथ साथ सीखने का, क्योंकि जनरली जब भी होता है हम क्लास जब करते हैं, लाइव क्लासेस जहाँ करते हैं वहाँ पर भी जब तक आप टेस्ट ना लें उन चीज़ों का तब तक इंटरेस्ट नहीं जगता लोगों में, तो मुझे वही लग रहा है कि इस तरीके से आपका ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा इस चीज़ में। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने सिमिलरली अभी दोनों आईज़ को प्लॉट किया है खाली, अभी ये केवल रफ़ वर्क है, इसको हम फिनिश कर सकते हैं आगे चल के, लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल रफ़ ही रखूँगा। फर्स्ट एपिसोड में केवल यही दिखाना समझाना ज़रूरी है कि आप कैसे इनिशिएट करेंगे, कैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे, और उसके बाद के काम तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मुझे इतना पूरा भरोसा है आप पे।
कुछ लोग पूछ रहे थे फ्रेंड्स कि क्या वीडियो बना करके भेजना भी ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको केवल इमेज बना के भेजना है जो ड्रॉ होगा, फाइनल इमेज, और फाइनल इमेज भेजें। हालांकि अगर उसमें थोड़े से प्रोसीजर्स नज़र आएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि उसमें ये प्रूफ होगा कि आपने ट्रेसिंग वगैरह नहीं किया है। हालांकि मैं बहुत अच्छे से उसको जज कर पाता हूँ कि किसने क्या यूज़ किया है, कौन सी टेक्निक यूज़ किया है, क्योंकि हम यूज़ टू हो चुके हैं इस चीज़ों के, तो वो तो मैं बड़ी इजीली हम जज कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उसमें प्रोसीजरल लाइंस जो होती हैं, कंस्ट्रक्शन लाइंस, वो नज़र आती होती हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर लगता है, आपका प्रोसीजर नज़र आ रहा होता है, जो मैं अक्सर डिस्कशन करता हूँ अपने पोर्ट्रेट्स में। अब देखिए, इसी तरीके से मैंने ऊपर दोनों आईब्रोज़ को भी प्लॉट कर लिया। आप चाहें तो जितनी ज़्यादा रेफरेंस लें इन्हीं दोनों लाइनों से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आपके काम में आती जाएगी। जितना कम रेफरेंस लेंगे उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाने के। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन बेहतर लाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को, रेफरेंस को लें। यही ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग है, जिसको कि बताया जाता है, कि समझाया जाता है किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। जब ये आपके ऑब्जर्वेशन और बेहतर होते जाते हैं तो उसके बाद और कम आप रेफरेंस पॉइंट लेते रह जाते हैं, बस सिंपली आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ही पूरा पूरा पोर्ट्रेट प्लॉट कर देते हैं। लेकिन शुरुआत, बिगनिंग आपको ऐसे ही करनी है, और बिगनर्स को सिखाना, यही इस चैनल का पर्पस है। अब देखिए, इसी तरह से मैं नोज़ की विड्थ को भी वहाँ पे उसी वर्टिकल लाइन से मेजर कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा प्रिंट लेकर के आप ड्रॉ कीजिए, तो आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ कैसी जा रही हैं। जनरली लोग जैसे बोलते हैं कि मोबाइल से ड्रॉ करें, तो आप मोबाइल से भी डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बस वही है कि उसको जूम करना, जूम इन करना या जूम आउट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, मेजरमेंट्स चेंज हो जाते हैं सडनली, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, तो थोड़े से डिफ़िकल्टी आती है उसमें। हाँ, वो आप स्क्रीन लॉक वगैरह करके कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर आप कर सकते हो उसके, अगर आप क्या बोलूँ मैं उसको, अगर आपके पास ऐसे हैं सुविधाएं तो आप ज़रूर उसको भी यूज़ करें। और टैबलेट ले सकते हैं, या फिर मैगज़ीन सबसे अच्छी है मेरे हिसाब से। तो अगर आप मैगज़ीन्स पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उनमें बहुत सारी इमेजेस निकलती हैं, उन इमेजेस को ड्रॉ करिए और साइड बाई साइड, अलॉन्ग साइड रख करके, और सेम डायमेंशन का ही ड्रॉ कीजिए पहले शुरू में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अचानक से बड़ा और छोटा ड्रॉ करने लगें, क्योंकि उसमें फिर दूसरे मेथड्स यूज़ होते हैं। इसी मेथड को यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है शुरुआत में। तो आप बिल्कुल आसान रखिए चीज़ों को, जितना आसान रखेंगे उतनी ही आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। जितना कॉम्प्लिकेट करता जाएंगे उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपको समझने के लिए। और आप लोगों की बहुत सारी एंट्रीज़ आ रही हैं फ्रेंड्स, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट लिया है इस चीज़ में। मैं चाहूँगा कि आप और अच्छे से बनाएं, एकदम फिनिश करें उसको जो भी आप कर रहे हैं, और प्रोसीजर ज़रूर उसमें क्लैरिफाई होने चाहिए, सिग्निफाई होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बस कोई टूल यूज़ करके, ब्लेंड करके वगैरह दे दिया फिनिश करके। मैं चाहता हूँ कि आप पेंसिल पे अच्छे से अच्छा काम करें, उसको पेंसिल पे अपनी स्ट्रेंथ को जनरेट करें। जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा वैल्यूज़ को डार्कन कर रहा हूँ। तो जैसे कि रिक्वेस्टेड भी था, कि लोग बोल रहे थे कि इसका ट्यूटोरियल भी बताइए, और मैंने भी बोला था आपको कि मैं इसका एक ट्यूटोरियल भी करूँगा, ताकि आप लोग को और आसानी हो जाएगी किस तरीके से आपको आउटलाइंस ड्रॉ करनी है। फिनिशिंग वगैरह तो मैं ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगा आपकी, क्योंकि फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा कॉम्पिटिशन में के लिए भी, तो वो चीज़ तो खैर अलग है। लेकिन कैसे इनिशिएट करना है, कैसे एक बिगनर शुरू करे पोर्ट्रेट को प्लॉट करना या आउटलाइंस को ड्रॉ करना, तो उसके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, फर्स्ट एपिसोड है ये। कोशिश करूँगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं और भी इसके एपिसोड्स बना दूँगा कि कैसे नोज़ को करना है, कैसे लिप्स को करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमेज का उनको रेफरेंस जो है वो नहीं मिल रहा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिंक दिया हुआ है, एक शॉर्टन लिंक किया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। अगर इंस्टाग्राम वाला लिंक एक्टिव नहीं है, तो यहाँ यूट्यूब के लिंक से आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, इसको अभी यहीं पर ही रोकता हूँ मैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा अनसर्टेनली, और फिर लंबी वीडियोज़ काफ़ी आपको
परेशानी होती है देखने में, मुझे ऐसा लगता है। तो फिलहाल इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए ही भला है। इसमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है, इसमें आपका कोई भी घाटा नहीं है, जैसे आप सोचें कि इसमें हमारा लॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं चीज़ों में और कितना बेहतर आपने सीखा है, आपको मोटिवेशन मिले इससे। बस यही इसका पर्पस है, इस कॉम्पिटिशन का। और बेहतर से बेहतर आप अपनी एंट्री दीजिए अच्छे से, अच्छा एफर्ट लगा करके, तो मैं मुझे भी बहुत खुशी होगी, मुझे भी लगेगा कि यही मेरा रिवॉर्ड है कि आपने अच्छे से अच्छा आर्ट सीखा है। आगे और भी अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स, अच्छे अच्छे इवेंट्स इसी तरह से लाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। और आप बस यही एक वो है बेसिक फंडा कि अपनी पेंसिल के ऊपर स्ट्रेंथ को जनरेट कीजिए, बस यही एक मूल मंत्र है सक्सेस का पेंसिल आर्ट्स में। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। इसको आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी ज़्यादा फिनिश करेंगे, अभी बिल्कुल भी फिनिश नहीं किया है, तो वो भी देखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।